बात करेंगे सियासत की। पहली बार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव एमपी आ रहे हैं। 26 और 27 दिसंबर को वो जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण में शामिल होंगे। इसके अलावा जमीनी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, मंडल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का वो फीडबैक भी लेंगे। तो तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। मुरलीधर राव बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं और पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। अनुशासन का पाठ इस दौरान वो तमाम बीजेपी नेताओं को पढ़ाएंगे। 26 और 27 दिसंबर को जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा मंडल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का फीडबैक भी वो लेंगे। जब प्रदेश के प्रभारी के नाते, सह प्रभारी के नाते वे आ रहे हैं, पहली बार उनका प्रवास है, तो न केवल संगठन, सत्ता भी, सरकार भी, इस सब की भी बातचीत होगी और जानकारी ली जाएगी। क्योंकि संगठन के प्रभारी के नाते वो जब आ रहे हैं तो सत्ता में बैठे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, प्रमुख नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो वो बातचीत होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। जुगल, एक तो यह कि मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन और फिर आने वाले वक्त में जिसकी सुगबुगाहट हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और इस सब के बीच मुरलीधर राव का पहला दौरा, किस तरह से देखते हैं आप? स्वाभाविक रूप से देखिए, जब मुरलीधर राव मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी बने हैं उसके बाद से मध्य प्रदेश उनका दौरा नहीं हुआ है। जब वो पहली बार आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी, खास तौर से कार्य समिति को लेकर। हालांकि आज विष्णु दत्त शर्मा दिल्ली गए हुए हैं और ये चर्चा है कि एक दो दिन में कार्य समिति आ सकती है, लेकिन अगर एक दो दिन में कार्य समिति नहीं आई तो निश्चित रूप से मुरलीधर राव जब मध्य प्रदेश में होंगे तो स्थानीय नेताओं से भी वो फीडबैक लेंगे, प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे, सरकार से जुड़े जो नेता हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे और संगठन के जो कार्यकारिणी संभावित है उस पर भी चर्चा निश्चित रूप से हो सकती है। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं, किस एजेंडे के साथ बीजेपी को जाना है, बीजेपी कार्यकर्ता किस भूमिका में रहेगा, जिला अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी, किस तरीके से हमसे जनता से कनेक्ट होना है, ये तमाम मुद्दों पर मुरलीधर राव निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे। अभी 26 और 27 तारीख को जो जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के दौरान भी वो जिला अध्यक्षों को वो पार्टी की रीति नीति से अवगत कराएंगे और जो जिला अध्यक्ष है उनको बताएंगे कि उनको किस तरीके से काम करना है, अनुशासन का पाठ भी वो बताएंगे। लेकिन साथ में ये भी होगा कि सत्ता और संगठन के बीच बेहतर समन्वय रहे, जो मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा माना जाता है पूरे देश में, कि सत्ता और सरकार के संगठन और सरकार के बीच में बेहतर समन्वय रहता है। उसी समन्वय पर भी वो चर्चा करेंगे कि किस तरीके से किसकी क्या भूमिका है, क्योंकि ये पहला दौरा है उनका। और इसके साथ उन सह प्रभारी जो हैं वो भी, ये दोनों सह प्रभारी हैं वो भी, पंकजा मुंडे और विश्वेश्वर टुंडू, ये दोनों भी भोपाल आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक सरगर्मियाँ बढ़ेंगी बीजेपी के, जो हम कह सकते हैं संगठनात्मक रूप से जो चर्चाएँ होनी हैं वो भी हमको देखने को मिलेंगी। जी चलिए, सत्ता और संगठन के लिहाज से इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जुगल, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इस बीच खबर है कि अब कार्यकारिणी का जो विस्तार है वो जल्द हो सकता है। वीडी शर्मा इस वक्त दिल्ली में हैं, वहाँ वहीं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी अब नज़दीक हैं। ऐसे में अब प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव पहली बार MP दौरे पर आ रहे हैं, देखना होगा क्या कुछ सरगर्मियाँ इस दौरान नजर आती हैं।